हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्रसिद्ध नागौरी पूरी। नागौरी पूरी उत्तर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। नागौरी पूरी को नागौरी हलवे के साथ खाया जाता है, लेकिन आज मैं सिर्फ बनाने वाली हूँ पूरी। नागौरी पूरी को वैसे सुबह सुबह खाया जाता है आलू की सब्जी के साथ, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नागौरी पूरी। हम यहाँ पे 1 कप मैदा लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप सूजी डालेंगे, ये बारीक सूजी है यानी कि मोटी सूजी नहीं है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अजवाइन डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे तेल डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिला लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। तेल हमने इसलिए डाला है ताकि इसमें हल्का सा मोइन हो जाए। जैसे कि सभी चीजों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है, अब जरूरत अनुसार हम पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे एक नरम डो तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक नरम सा डो तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इस आटे को हम गून लेंगे और चिकना कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आटा को चिकना कर लिया है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कपड़े से और इसे थोड़ा सा फूलने देंगे, इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और आटा को हमने रेस्ट दे दिया है। अब यहाँ पे हम छोटा सा हिस्सा ले लेंगे आटे का और इसे गोल आकार दे देंगे। अब जो लोई हमने तैयार की है उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और धीरे धीरे हम इसे बेलना है। तो हमने यहाँ पे पूरी की साइज में बेल लिया है। ये पूरी ना बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा पतली। तो हमने एक पूरी तैयार कर ली है, तो इसे हम प्लेट पर रख लेंगे और इसी तरीके से बाकी की भी पूरी बेल लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बैच तैयार कर लिया है पूरी का बेल के, अब इसे हम तल लेंगे। तो हमने यहाँ पे तेल को गर्म कर लिया है और आंच को हमने धीमा और मध्यम के बीच में रखना है। अब हम तेल में पूरी डाल देंगे और पूरी को हमें यहाँ पे लाइट ब्राउन होने तक तल लेना है। तो देखिए, कुछ ही सेकंड में पूरी यहाँ पे फूल चुकी है। तो अब इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसे तल लेंगे अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे पूरी तल चुकी है और ये इसमें हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की भी पूरियाँ भी तल लेंगे। ये काफी क्रिस्पी सी बनती है, बहुत ही कुरकुरी सी बनती है, साथ ही साथ में ये मुलायम सी भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरकुरी सी होती है। आप इसे स्पेशली आलू की ग्रेवी की सब्जी के साथ खा सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मजेदार होता है। तो ये बहुत ही साधारण तरीके से बनने वाली नागौरी पूरी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जितनी ही ये साधारण तरीके से बनती है उसका टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ ब्यूटीफुल डे।